हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। तो आज मैं बनाने वाली हूँ नमक पारे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं और इसकी रेसिपी देखते हैं। यहाँ पर हमने एक बाउल लिया हुआ है। बाउल में हम मैदा मिलाएंगे। तो यहाँ पर हमने 2 कटोरी मैदा लिया हुआ है। इसमें का थोड़ा मैदा हमने बचा लिया है, ये हम आगे काम में लाएंगे। इसमें हम कुछ मसाले मिलाएंगे, जैसे कि अजवाइन मिलाएंगे। अजवाइन से हमारा हाजमा सही रहता है और खुशबू बहुत अच्छी आती है। और कसूरी मेथी मिला देंगे। कसूरी मेथी को हाथों से मसल कर डालें, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक मिलाएंगे। और तेल मिला देंगे। आप इसमें घी भी मिला सकते हैं। तो हमने अपने जरूरत के हिसाब से तेल को मिला लिया है, सारे मसाले मिला दिए हैं, सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। और तेल हमें कम लग रहा है तो थोड़ा सा हम और मिलाएंगे। जिससे मछली हमारी खस्ता बनकर तैयार होगी। आप मठरी बनाएं या नमक पारे बनाएं, जो भी आप बनाएंगे वो खस्ता बनेगा इस तरीके से मसलने से। और ये मुट्ठी बंधने लगी है तो थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका हम एक टाइट डो लगा लेंगे। तो पानी हमें एक साथ नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है, नहीं तो डो हमारा गीला हो जाएगा। तो डो को हमने लगाकर तैयार कर लिया है। जिस तरीके से हम रोटी बनाते हैं, पूरी बनाते हैं, उसी तरीके से। ज़्यादा पतला नहीं है, ये टाइट डो है। और इसे हम 10 मिनट के लिए ढक देंगे रेस्ट करने के लिए। अब हम एक कटोरी में तेल लेंगे, में थोड़ा सा मैदा मिलाएंगे और एक घोल तैयार कर लेंगे। तो इसी तरह से चम्मच से चलाते हुए घोल हम बनाकर तैयार करेंगे। तो इसमें हमें तेल कम लग रहा है, थोड़ा सा हम और लेंगे। घोल हमें पतला रखना है, ज्यादा गाढ़ा नहीं रखना है। और इसमें ये कसूरी मेथी आ गई है, इसे हम निकाल देते हैं। तो हमने
इसमें थोड़ा सा जो है तेल मिलाया है जिससे ये पतला हो गया है, ये देखिए। और एक बार हम डो को जो है मसल लेंगे हाथों से, फिर हम बनाना स्टार्ट करेंगे। हम जो है थाली पे बनाने जा रहे थे मगर इस पे बन नहीं रहा है, ये फिसल रही थी, तो हमने चौकी जो है ली है रोटी बेलने वाली, उसी पर बनाएंगे। इस पे जो है रोटी हमारी छोटी बनेगी। तो इस तरह से हम हाथों से इसे बड़ा कर लेंगे और बिना आटा लगाए हम इसे बेल लेंगे। और रोटी जितना बड़ा हम जो है बेलकर तैयार करेंगे। इसे मोटा नहीं रखना है, पतला ही रखना है। तो ये देखिए हमने इतना मोटा जो है बनाया हुआ है। और इसी तरह से हम तीन चार रोटियां बनाकर तैयार कर लेंगे, ना ज्यादा मोटी ना ज्यादा पतली। तो इसी तरह से हम दूसरी भी बनाकर तैयार करेंगे। और उसे भी हमने तैयार कर लिया है। इसी तरह से तीसरी भी हम तैयार कर लेंगे। तो सारी हमने बनाकर तैयार कर ली हैं। अब हम जो बनाकर घोल रखे थे उसे लगाएंगे। फैलाते हुए पूरी रोटी पर हमें लगाना है। आप ये काम ब्रश से भी कर सकते हैं। इसमें हम सूखा आटा डाल देंगे। और दूसरी रोटी रख देंगे ऊपर से। और इस पे भी हम घोल लगाएंगे। घोल लगा देंगे और सूखा आटा डाल देंगे। तो हमने इसे भी तैयार कर लिया है और तीसरी रोटी भी रख देंगे। और अब हम इसे बड़ा करते हुए बेल लेंगे जिससे कि थोड़ा पतला हो जाए। तो इतना मोटा हमने बनाकर तैयार कर लिया है। अब हम एक ढक्कन लेंगे जो प्लास्टिक की बोतल का है, उसी से हम सारे जो है कट कर लेंगे नमक पारे। तो ये काजू के शेप में कट रहे हैं इस तरीके से। तो इसी तरह से सारे हम काट कर तैयार कर लेंगे। आप कोई कटर भी ले सकते हैं अगर आपके पास है, अगर नहीं है तो इससे काम चल जाएगा।
तो इस तरह से सारे जो है हमने बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो तेल हमने गर्म होने के लिए रख दिया है। तेल अच्छे से गर्म हो गया है तो सारी काजू नमकीन जो है इसमें हम डाल देंगे। और इसे धीमी आंच पर जो है हम फ्राई करेंगे जिससे कि ये खस्ता हो जाए। और एक बार बनाओ तो ये महीनों तक चलने वाली नमकीन है। और ये चलाते हुए हमने अच्छे से इन्हें फ्राई कर लेना है चारों तरफ से। और ये बिल्कुल काजू के शेप में बनकर तैयार हुए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये अच्छे से पक चुके हैं, हम निकाल कर अलग रख लेंगे। और इसी तरह से सारे हम नमक पारे फ्राई कर लेंगे। ये लेयर वाले जो है नमक पारे बनकर तैयार हैं। तो एक बार आप लोग जरूर ट्राई करें। सारी जो है लेयर तेल में जाते ही खुल जाती हैं और बहुत ही खस्ता और करारे बनकर तैयार हो जाते हैं। ये देखिए, तो हमने सारे बनाकर रेडी कर लिए हैं। ये देखिए कितना जो है खस्ता बने हुए हैं। इस तरह से आप लोग जरूर ट्राई करें।